हेलो गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे रिएक्टिव वैल्यूज़ के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि रिएक्टिव वैल्यूज़ क्या होता है। तो ये एक फंक्शन है जिसकी सहायता से आप रिएक्टिविटी को मैनेज कर सकते हो। और ये रिएक्टिव फंक्शन की तरह, जैसे मैंने सेकेंड डे में या थर्ड डे में मैंने बताया था रिएक्टिव फंक्शन के बारे में, जिसके ज़रिए आप रिएक्टिव डाटा क्रिएट कर सकते हो, ये सेम ही तरीके से है। पर इस फंक्शन के जरिए जो डाटा क्रिएट होगा वो डिले हो जाएगा। रिएक्टिविटी मतलब ऐसा नहीं है कि ऑटोमेटिक रिएक्टिव हो जाएगा। आप जो चीज़ें हैं कंट्रोल कर सकते हो अगर इस फंक्शन का आप इस्तेमाल करते हो। और ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल फंक्शन है साइनी एप्लीकेशन में। तो इस चीज़ को समझने के लिए सपोज़ करिए कि आप एक डेवलपर हो। आपने एक अपने दिमाग में इमेजिन किया कि मुझे किस तरीके का ऐप बनाना है। तो आपने ये इमेजिन किया कि जब भी कोई यूज़र आएगा मेरे ऐप में, कोई भी वेब ब्राउज़र खोलेगा, तो सबसे पहले वो एक सेंटेंस लिखेगा। तो सेंटेंस लिखने के लिए मुझे एक इनपुट चाहिए। तो उस चीज़ के लिए मैंने यहाँ पे एक इनपुट बना रखा है, ठीक है। पहला स्टेप तो ये हो गया। दूसरी बार में क्या होगा कि यूज़र्स को अगर टोकन्स चाहिए तो वो टोकन्स बटन पे क्लिक करेगा। अगर उसको POC टैग चाहिए तो वो POC टैग में क्लिक करेगा। तो कुछ इस तरीके का ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल ऐप है। ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल NLP टास्क कर रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको इनपुट बनाना पड़ेगा, उसकी मैंने कोडिंग कर रखी है, टेक्स्ट इनपुट। और इसी तरीके से मैंने बटन बना रखे हैं, दो, गेट टोकन के लिए और गेट पोस्ट टैग के लिए। और मैंने यहाँ पे आउटपुट बना रखा है डाटा टेबल। तो ये जो डाटा टेबल है बिल्कुल ही डिफरेंट है जो भी आप डाटा टेबल पाइथन या फिर आर में पढ़ते हैं। ये जो डाटा टेबल है स्पेसिफिकली बनाया गया है वेब ब्राउज़र के लिए, वेब ऐप के लिए। तो ये है सर्वर साइड की कोडिंग। तो आपको एक रिएक्टिव वैल्यूज़ एक फंक्शन है जिसमें आप बहुत सारे एक लिस्ट की फॉर्म में डाटा क्रिएट कर सकते हो। और वही डाटा जाएगा रेंडर्ड होके यूज़र्स के पास। उसके बाद आपको, जाहिर सी बात है, मैंने ऑब्जर्व इवेंट के बारे में बताया था, वही उसके बाद मैं वही जो इवेंट है उसको मैं ऑब्जर्व करूँगा। उसके बाद मैं फाइनली जो भी रेंडर्ड करना है आउटपुट को, जो भी रिजल्ट दिखाना है, उसके बाद मैं वही कोड। तो इस चीज़ की कोडिंग मैं आपको आर में करके दिखाता हूँ। तो ये जो मेरा फाइल है UI.R, तो सबसे पहले मैंने इनपुट बनाया है टेक्स्ट इनपुट के लिए। और मैंने यहाँ पे दो बटन बना रखे हैं इनपुट के लिए। और मैंने फाइनली यहाँ पे आउटपुट बना रखा है डाटा टेबल। उसी तरीके से मैंने सर्वर साइड में कोडिंग किया हुआ है कि सबसे पहले मैं डाटा क्रिएट कर रहा हूँ। मैंने कोई बाय डिफ़ॉल्ट उसको कोई डाटा चाहिए होता है, ठीक है। तो मैंने आप इसको नल भी दे सकते हो डाटा फ्रेम के अंदर। तो मैंने यहाँ पे NLP ऐप लिखा हुआ है, तो इसलिए वो हमें NLP ऐप दिखा रहा होगा बाय डिफ़ॉल्ट। तो उसके बाद मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ इवेंट को, टोकन को। तो जब भी कोई, मैं इस ऐप को रन करके दिखाता हूँ। तो इस चीज़ का क्या मतलब है, जब भी ये जो ID है, तो मैंने इसका जो ID दे रखा है टोकन है, तो जब भी कोई यूज़र इस पे क्लिक करे, अभी मैं क्लिक नहीं कर रहा हूँ, बाद में करेंगे क्लिक, तो वो कुछ हमें टोकन्स करके दे। तो आपने अगर NLP पढ़ा होगा तो NLP में टोकन बेसिकली क्या होता है कि जो भी सेंटेंस होता है उसको एक एक वर्ड में डिवाइड कर देता है, उसको हम टोकन कहते हैं। उसी तरीके से अगर उसी कोई POS टैग चाहिए, जैसे कि कोई वर्ड का अपना एक, जैसे अगर कोई जगह है, जैसे कि ताजमहल, ताजमहल एक प्लेस है, ठीक है, नाउन है। अगर कोई यूज़र्स कोई सेंटेंस में ऐसा लिखता है कि ताजमहल, तो वो क्या है, एक नाउन है, जगह का नाम है। तो जो नाउन डिटर्मिनेंट, इस तरीके की चीज़ों को हम कहते हैं। आपने अगर इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ा होगा, इंग्लिश ग्रामर, तो उसी को ही मैंने, अगर आपने NLP के बारे में पता होगा तो आपको ज़रूर इस चीज़ के बारे में ज़रूर पता होगा। और मैं क्या कर रहा हूँ, एक मॉडल है इंग्लिश, तो ये हमारा मॉडल है इंग्लिश, उसको मैं लोड कर रहा हूँ। और उसमें से मैं बस क्या कर रहा हूँ, POC टैग को डिस्प्ले कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। और ये मैंने कुछ रफ काम किया हुआ है इस चीज़ को, मैंने टेस्टिंग वगैरह करने के लिए, क्योंकि
क्योंकि जितनी भी डायनेमिक लैंग्वेजेस होती हैं जैसे कि आर और पाइथन और किस रूबी किस जितने भी जिसमें आप डाटा टाइप लिखते नहीं हो, तो आर में क्या है, आप सिर्फ डाटा टाइप ही नहीं लिख रहे हो, बाकी जो सिंटैक्स है बिल्कुल ही सी की तरह सेम है। तो इसका एक डिसएडवांटेज ये होता है कि आपको इसमें प्रिडिक्ट करना मुश्किल होता है फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, वो किस तरीके से कंप्यूटेशन कर रहा है। जैसे अगर मैं सी प्लस प्लस का कोड पढ़ूँ तो उसमें डाटा आर्गूमेंट में ही आप डाटा टाइप लिख देते हो, तो नीचे जो डेफिनेशन है इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आपको पता लग जाता है कि इस तरीके से मैनिपुलेशन होता है डाटा फ्रेम का, कुछ भी जो पर्टिकुलर डाटा टाइप लिखा है आपने। पर इसमें क्या है कि आपको पूरा का पूरा जो सोर्स कोड है जो कर्ली ब्रैकेट में लिखोगे, दो चार लाइन पढ़नी पड़ेगी, तब आपको ये पता लगेगा कि ये जो फंक्शन है इस पर्टिकुलर डाटा टाइप को मैनिपुलेट कर रहा है। तो इसमें थोड़ा सा ये दिक्कत आता है। तो यहाँ मैंने कुछ सिंपल आप टेस्टिंग वगैरह करने के लिए कर रखा है, मैं किस तरीके से क्या रिटर्न करेगा फंक्शन और उसको मैं कैसे डिस्प्ले करूँगा, इस चीज़ को थोड़ा अच्छे से करने के लिए। तो मैंने ऐप बनाया था, अब मैं इस चीज़ को रन करता हूँ। तो सबसे पहला जो स्टेप है हमारा क्या होता है कि हमें कोई सेंटेंस लिखना है, तो लिखते हैं, तो हम लिखते हैं कि सी एट द पिज्जा, वो पिज्ज़ा खाती है, तो मेरे को इसका टोकन लेना है। तो आप देख पा रहे हैं कि इसने वर्ड में डिवाइड कर दिया टोकन्स, सी एट द पिज्ज़ा, ये सारे चार टोकन आ गए। इसी तरीके से अगर मेरे को POC टैग लेना हो तो ये POC टैग आ गए। जितनी भी NLP एप्लीकेशन होते हैं बहुत ज़्यादा हाई कंपटीशन होते हैं, जैसे कि GPT और बहुत सारे जो जितने भी मॉडल होते हैं, तो ये तो फिर भी ये तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल ऐप है, पर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है कोई भी NLP ऐप मॉडल को चलने में। तो देखिए सी जो है ये टोकन है वो है प्रोनाउन, जाहिर सी बात है ही सी इंग्लिश ग्रामर में आपने पढ़ा हुआ, ये होता है प्रोनाउन। एट हो गया वर्ब, और जो दा है ये डिटर्मिनेंट हो गया, ये पिज्जा हो ये नाउन हो गया। तो उसी तरीके से मैं कुछ और चीज़ें लिखता हूँ, जैसे कि आई एम गोइंग टू ताजमहल, ताजमहल। तो आप देख पा रहे हैं आओ एक प्रोनाउन है, एम को क्या कहते हैं इसको भी कुछ कहते होंगे, और गोइंग एक वर्ब है और ये भी एक पार्ट है, और इसने ताजमहल को वर्ब बताया है बल्कि ये है नाउन। तो आपको ताजमहल को इंक्लूड करके दोबारा से मॉडल को ट्रेन करना पड़ेगा, तब जाके आप इस चीज़ को वो नाउन करके दिखाएगा। तो NLP में हम यही करते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल ऐप है, पर आप बहुत बड़े बड़े टास्क कर सकते हो, सेंटिमेंट एनालिसिस कर सकते हो, और तो इस तरीके से आप किसी भी इवेंट को आप सर्वर साइड में रन कर सकते हो और डिस्प्ले कर सकते हो। तो सो थैंक यू, प्लीज़ टू सी माई वीडियोज़।